झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और लगातार यूपीए की बैठकों का दौर चल रहा है। हम बात करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, हर दिन बैठक कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं, बताते हैं रणनीति, वो क्या रणनीति बन रही है? जनता के बहुमत को नहीं लूटने देंगे, इसी की रणनीति बना रहे हैं कि जो जनता ने जनमत दिया है हम सबों के पक्ष में, उसको कोई ऐसे लूट के ले जाएगा वो नहीं होने देंगे, और कोई भी एजेंसी का गलत इस्तेमाल होगा वो नहीं होने देंगे। सबको निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लोकतंत्र का गला घोटने नहीं देंगे। भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने संपत्ति का ब्यौरा तक नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं देते? जो 5 साल डबल इंजन की सरकार में कमाया है, लूटा है, वो उनको पहले देना चाहिए। वो सिर्फ दूसरे का हिसाब मांगते हैं। अरे जब भी कोई किसी पे 4 उंगली उठाता है, 1 उंगली अपनी तरफ भी आती है, उस 1 उंगली पर तो सोचना चाहिए। तो इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बयानों में है, मैदान में कहीं है नहीं, तो इस तरह की बात करते रहेंगे। सड़क पर झामुमो के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, कांग्रेस का झंडा नहीं दिख रहा है। कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, महागठबंधन का कार्यकर्ता, और निश्चित रूप से चूंकि झामुमो के सर्वे सर्वा हैं आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो निश्चित रूप से उनसे लोगों की सहानुभूति है। वो अपने अपने तरीके से चल के आ रहे हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। ठाकुर साहब, एक आखिरी सवाल, अगर कुछ होता है सीएम की सदस्यता पर तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ है? वो सब देख लेंगे, हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या होता है। नाम पे चर्चा नहीं, कोई नाम की चर्चा क्यों होगी, जब मुख्यमंत्री है तो है। तो आपने सुना, यह थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, और साफ तौर पर बताया कि जो किस तरह से झारखंड में हाल के दिनों में ईडी और सीबीआई और आईटी की जो कार्रवाई चल रही है, उनसे निपटने को लेकर मुख्यमंत्री आवास में बैठक कर आगे की रणनीति तय करते हैं। द न्यूज पोस्ट आपको तमाम राजनीतिक अपडेट देता रहेगा, बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ, समीर द न्यूज पोस्ट रांची।